नमस्कार दोस्तों, एक कॉलेज ग्रेजुएट टॉपर स्टूडेंट जो एक टीम की मदद से दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी को कैसे खोलते हैं और उस तिजोरी की मदद से खजाने तक पहुंचने का सपना पूरा करते हैं, ये मूवी आपको बखूबी दिखाती है। दोस्तों, जिस तरह से इस मूवी को बनाया गया है, ये मूवी आपको पूरी तरह एंटरटेनमेंट देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत अटलांटिक महासागर से होती है, जहां वॉल्टर की टीम खजाना ढूंढ रही होती है और ये बहुत सी चीजें समुद्र से निकाल लेते हैं। और वहीं जेम्स और उसका साथी एक जगह को देखता है और जेम्स उसके अंदर चला जाता है और बिना उपकरण की मदद से समय खत्म होने से पहले वो एक बॉक्स को बाहर लेकर निकल जाता है। और यह देखकर वॉल्टर एक शैंपेन लेकर उसके पास जाता है और ये जश्न मनाते हैं। और तभी वहां स्पेनिश पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है, जिससे इन पर केस होता है और कोई परमिशन ना होने की वजह से वो केस हार जाते हैं और उनका सारा सामान स्पेनिश सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, क्योंकि उन्होंने वो उनकी सीमा से लूटा होता है। और कोर्ट के बाद वॉल्टर अपने खजाने को उनसे छुड़ाने के बारे में मार्गरेटा को बताता है, लेकिन वो उससे मना करती है और अपनी आगे की लाइफ जीने को कहती है। और फिर हमें उसके खजाने को दिखाया जाता है, जिसे सरकारी बैंक में एक बहुत पुरानी मजबूत तिजोरी में रखवा देते हैं, जो दुनिया की सबसे सेफ तिजोरी होती है। और फिर हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थॉम को दिखाया जाता है, जो एक कंपनी में इंटरव्यू दे रहा होता है और कंपनी उससे बहुत खुश होती है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने मेक्सिको में तेल की समस्या को हल किया होता है, जिससे कंपनी उसे एक अच्छा पैकेज देती है, लेकिन वो मना कर देता है। और उसके बाद वो बहुत सी कंपनियों के इंटरव्यू देता है जो उसे अच्छा पैकेज देते हैं, लेकिन वो किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, जिससे जब वो अपने पिता के साथ लंच पर गया होता है तो उसके पिता कोई भी कंपनी ज्वाइन ना करने के कारण उससे नाराज होते हैं और वो उन्हें बताता है कि उसकी सोच उन कंपनियों से नहीं मिलती। और तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है जो उसे अपने पास बुलाता है, जिससे थॉम उससे उसके बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और वो उसे एक जगह पर बुलाता है, जिससे थॉम वहां जाता है और वहां उससे लॉरेन मिलती है, जो पेंटिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे पद पर होती है। और वो देखता है कि लॉरेन एक आदमी का पर्स चुरा लेती है और अपनी कला से उसे थॉम की जेब में रख लेती है, जिससे वो उसके साथ काम करने से मना कर देता है। लेकिन लॉरेन उसे एक जगह ले जाती है और वॉल्टर से मिलवाती है, जहां वॉल्टर उससे दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी खोलने में उसकी मदद करने के बारे में बताता है। और यह सुनकर वो उन्हें बताता है कि वो ऐसा काम नहीं करता, जिससे वॉल्टर उसे बताता है उस तिजोरी का खजाना उसके बस में नहीं है, क्योंकि वो तिजोरी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार होती है, जिसे खोलना तो दूर कोई उसके ब्लूप्रिंट के बारे में भी नहीं जानता, और उसे काम में शामिल होने को कहता है और मैड्रिड को एक टिकट देकर वहां से चला जाता है, जिससे थॉम घर जाकर उस तिजोरी के बारे में देखता है और उसे ये काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और वो अपने पिता को कॉल करके उनसे कुछ समय मांगता है। और मैड्रिड चला जाता है, जहां लॉरेन उससे मिलती है और वहीं हमें पता चलता है कि वहां फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही होती है और वो थॉम को ऑफिस ले जाकर अपनी टीम से मिलाती है, जिसमें क्लास कंप्यूटर जीनियस होता है, जेम्स जो वॉल्टर का पुराना आदमी होता है, और साइमन जो नई टेक्नोलॉजी बनाने में माहिर होता है। और वहीं वॉल्टर थॉम की सबके सामने तारीफ करता है, जिससे जेम्स उससे नाराज हो जाता है। और वहीं बैंक के कैमरों में लॉगिन करने के लिए क्लॉस को बैंक का एक कार्ड चाहिए होता है, जो उसे नहीं मिलता, और थॉम उन्हें बताता है कि वो एक वॉइस मैसेज भेजकर किसी एम्प्लॉय से कोड ले सकते हैं, जिससे साइमन उन्हें एक बैंक का झूठा मैनेजर बनाकर वॉइस मैसेज भेजकर उसे पढ़ने के लिए कोड डालने को कहता है। और उसके ऐसा करते ही बैंक का कैमरा सिस्टम उसके कंप्यूटर में लॉगिन हो जाता है, जिससे वॉल्टर उससे इंप्रेस होता है। और वहीं रेलवे टर्मिनल के नीचे जाकर साइमन और जेम्स बैंक की तिजोरी में घुसने का रास्ता चेक करते हैं, लेकिन हर बार की तरह उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। और फिर वॉल्टर थॉम को एक कहानी सुनाता है, जिसमें एक आदमी स्पेनिश खजाने को चुरा लेता है और उसे छुपा देता है। और कुछ समय पहले वॉल्टर ने एक आदमी से एक मैप खरीदा होता है, जो उन 3 सिक्कों के बारे में बताता है, जिसकी मदद से कोई भी आदमी उस खजाने तक पहुंच सकता है। और उसे बताता है कि वो बहुत समय से इन चीजों पर खोज कर रहा है और उसने उन 3 सिक्कों को भी ढूंढ निकाला है,
लेकिन वो अब बैंक में बंद है। और अगर वो इस काम को कर लेते हैं तो वो खजाना बेशुमार होगा। और सिर्फ खजाने के लिए ही नहीं, वो अपने पैशन के लिए ये काम कर रहा है। और फिर वो उस बैंक को देखते हैं जिसकी सुरक्षा के लिए 3 दल और 500 सिपाही तैनात होते हैं। और साथ ही गस्टावो इन सबका हेड होता है, जिसने अपने बहुत से साल आर्मी में गुजारे होते हैं और बहुत ही खतरनाक आदमी होता है। और वो जमीन के नीचे से बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। और साथ ही वाल्टर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है, और अगर वो तिजोरी के अलार्म को नहीं बंद कर सके तो वो पकड़े जा सकते हैं। और साइमन बैंक का एम्प्लॉय बनकर बैंक में आने वाले सफाई कर्मचारी से अगले दिन काम पर आने की मना कर देता है। और ये लोग नकली आईडी बनाते हैं जिससे वहां जाकर लॉरेन तिजोरी खोलने की चाबी ले सके और उन्हें तिजोरी के बारे में कुछ पता लग सके, जिससे वाल्टर वहां जाने की बोलता है। लेकिन जेम्स उसे मना कर देता है क्योंकि वहां फेस पहचानने वाले कैमरे होते हैं और उन्हें तिजोरी को जानने के लिए एक डिवाइस को यूज करना होता है। लेकिन वाल्टर को वो डिवाइस चलाना नहीं आता, जिससे थॉम वहां जाने को कहता है और डिवाइस को चलाना सीख लेता है। और फिर साइमन और थॉम नकली कर्मचारी बनकर पहुंच जाते हैं। और वहीं लॉरेन भी एक पेंटिंग एक्सपर्ट बनकर वहां पहुंचती है और गस्टावो से मिलती है और उसके फिंगरप्रिंट्स लेकर साइमन को दे देती है। और वो एक डाटा रूम में जाकर अपना डिवाइस लगा देते हैं, जिससे कैमरे उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। और वहीं एक आदमी लॉरेन को पेंटिंग चेक करने के लिए एक रूम में ले जाता है, जहां वो पेंटिंग को स्कैन करने का नाटक करती है। और क्लॉस उसी वीडियो को रिकॉर्ड करके गस्टावो के कैमरे में दिखाता है, जिससे वो चाबी निकाल कर उसे स्कैन कर लेती है। और क्लॉस थॉम को तिजोरी के ऊपर एक रूम में भेज देता है। और लॉरेन के रूम में बैंक का चेयरमैन आ जाता है, जिससे वो उससे बात करती है और अगले दिन में दूसरी चाबी लेने चली जाती है। वहीं कुछ लोग मीटिंग करने थॉम वाले रूम में आते हैं, जिससे वो टेबल के नीचे छुप जाता है और वहीं से डिवाइस से तिजोरी को चेक करते हैं। और लॉरेन भी दूसरी चाबी चुरा लेती है और थॉम का डिवाइस भी सही से उससे स्कैन नहीं कर पाता, जिससे अलार्म बजाता है। और गस्टावो सबको सावधान कर देता है, जिससे लॉरेन उस चाबी को बिना स्कैन करे उसे लेकर बाहर आ जाती है। और जब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और लॉरेन वो चाबी थॉम को दे देती है, जिससे थॉम उस चाबी को उसी रूम में रख देता है और एयरफोन कान में लगाकर काम करने का नाटक करता है, जिससे एक ऑफिसर उसे वहां से बाहर निकालती है और वो लोग वापस आ जाते हैं। और थॉम देखता है कि उस जगह के नीचे पानी की टंकी होने की वजह से उनका डिवाइस काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि तिजोरी उस टंकी से नीचे होती है। और उन्हें पता चलता है कि तिजोरी को इस डिजाइन से बनाया हुआ है कि अगर उसमें वजन बढ़ता है तो तिजोरी के अंदर दरवाजे बंद होकर अलार्म बज जाता है और उसमें पानी भर जाता है। और वाल्टर थॉम को इसे सॉल्व करने को कहता है। और वहीं साइमन और जेम्स टनल से रास्ता देखते हैं और उन्हें तिजोरी का रास्ता मिल जाता है, जिससे वो नीचे से तिजोरी को देखते हैं, जिसमें एक स्किल लगा होता है। और जेम्स तिजोरी की बनावट देखता है जो टाइटेनियम से बनी होती है और जिसे तोड़ने में उन्हें 15 दिन लगेंगे। और यह सुनकर वाल्टर गुस्सा हो जाता है और प्लान को कैंसिल करके सब चले जाते हैं। और वाल्टर छत पर जाकर फुटबॉल का सेमीफाइनल मैच देखता है और बैंक पर लगे कैमरे को देखकर सबको बुलाता है और उन्हें तिजोरी को ऊपर से तोड़ने की बात बताता है। लेकिन जेम्स उसे बताता है कि वहां बहुत से कैमरे हैं, लेकिन वाल्टर उन्हें बताता है कि अगर स्पेन सेमीफाइनल जीत जाता है तो बैंक के सब कैमरे स्पेन के फाइनल की ओर मुड़ जाएंगे, जिससे उन्हें मौका मिल सकता है। और इन सब की किस्मत का फैसला स्पेन की जीत पर डिपेंड हो जाता है और ये लोग स्पेन के जीतने की उम्मीद करने लगते हैं, जिससे स्पेन वो मैच जीत जाता है। और वहीं थॉम तिजोरी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, जिससे वाल्टर उससे वो जल्दी सॉल्व करने को कहता है। और वहीं गस्टावो को एक सफाई कर्मचारी से पता चल जाता है कि वो 2 दिन से छुट्टी पर था, जिससे वो साइमन और थॉम की फोटो देखते हैं और उनका पता लगाते हैं। और इन लोगों को भी पता लग जाता है कि साइमन और थॉम को उन लोगों ने पहचान लिया है, लेकिन वो लोग उनका पता नहीं लगा पाते, जिससे वाल्टर प्लान पर ही चलने को कहता है। और गस्टावो को भी पता लग जाता है कि बैंक में सोने के साथ साथ सिक्के भी हैं, जिसे वो चुराना चाहते हैं। और वाल्टर मार्गरेटा को कॉल करके एक झूठी अफवाह स्पेन के बैंक को बताने को कहता है, जिसके बदले में वो उसे 50% देने को तैयार हो जाता है। और चेयरमैन और गस्टावो को पता लग जाता है कि उन लोगों को
पकड़ लिया गया है, जिससे चेयरमैन रिलैक्स हो जाता है। लेकिन गस्टावो इस बात को नहीं मानता और बैंक की सुरक्षा बढ़ा देता है। और वहीं टॉम अभी भी उसे सॉल्व नहीं कर पाता, जिससे लॉरेन उसे एक पब में ले जाती है। वहां वो ग्लास में एक स्प्रे देखता है और जाकर सबको बताता है कि अगर वो उस टाइटेनियम को नाइट्रोजन से जमा कर देते हैं तो वेट कितना भी बढ़ा दो उस पर कोई इफेक्ट नहीं बढ़ेगा, जिससे साइमन इस काम के लिए मान जाता है। और ये लोग जाने की तैयारी करते हैं और जाने से पहले सब एक जाम लेते हैं। और साइमन स्पेन की फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद करता है, क्योंकि उसने कभी ये कप नहीं जीता होता है। और फाइनल वाले दिन लॉरेन, थॉम और जेस्पर चोरी करने बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसमें इनके पास चोरी करने के लिए सिर्फ 146 मिनट होते हैं, क्योंकि उसके बाद फुटबॉल मैच खत्म होता है, जिससे कैमरे अपनी सही पोजीशन पर आ जाते हैं। और वो लोग ऊपर से एक कांच निकालकर बैंक के अंदर चले जाते हैं, जिसमें क्लॉज उनके अंदर जाने में मदद करता है। और ये लोग विंडो के अंदर के रास्ते से होते हुए अंदर जाते हैं और तिजोरी में गस्टावो का फिंगरप्रिंट लगाकर क्लॉज उन्हें पासवर्ड बता देता है, जिससे तिजोरी खुल जाती है। और अंदर जाने से पहले साइमन तिजोरी के टाइटेनियम पर नाइट्रोजन छिड़क देता है, जिससे तिजोरी की वेट मशीन जाम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता और ये जैसे ही जाने लगते हैं वो मशीन जाम हो जाती है, जिससे ये तिजोरी के अंदर चले जाते हैं और सामान चेक करके सिक्के लेते हैं। तभी एक सेंसर चालू हो जाता है, जिससे गस्टावो को पता चल जाता है कि तिजोरी के अंदर कोई है, और वो गार्ड को वहां भेज देता है। और वो समझ जाता है कि कैमरों से छेड़छाड़ हुई है और उन्हें वहां से जल्दी जाने को कहता है। और वहीं जेम्स थॉम को बंदूक दिखाकर सिक्के उसे देने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि वो ब्रिटिश एजेंसी के लिए काम करता है। और लॉरेन उसे सिक्के दे देती है और वहीं टाइटेनियम पर लगा जाम भी हट जाता है, जिससे तिजोरी बंद हो जाती है और उसमें पानी भरने लगता है, जिससे जेम्स उन्हें वहीं छोड़कर एक सूट पहनकर पानी के अंदर से बाहर चला जाता है। और वहीं पानी भरने से ये लोग डूबने लगते हैं और वहीं गार्ड बाहर पानी निकलने का इंतजार करते हैं। और थॉम साइमन से तिजोरी पर वजन बढ़ाने को कहता है, जिससे पानी के साथ वो लोग बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही पानी खाली होता है तिजोरी खुल जाती है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, जिससे गस्टावो समझ जाता है कि वो लोग विंडो के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। और वो सब गार्ड को उनके पीछे भेज देता है और वो दोनों चेयरमैन के रूम में जाते हैं, जहां लॉरेन पहले ही एक विंडो खुली देख लेती है। और विंडो के रास्ते वो लोग मैच की भीड़ में घुस जाते हैं और अपने कपड़े उतार कर स्पेन टीम की टी शर्ट पहन लेते हैं और भीड़ में खो जाते हैं, जिससे वो लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते और स्पेन भी मैच जीत जाता है, जिससे साइमन खुश हो जाता है। और फिर जेम्स मार्गरेटा को सिक्के दे देता है और उन्हें पता चलता है कि वो नकली सिक्के हैं, क्योंकि वो सिक्के लॉरेन ने पहले ही चुरा लिए होते हैं। और सिक्के की मदद से वो खजाने का पता लगाते हैं, जिससे उन्हें लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की लोकेशन दिखाई जाती है और लॉरेन को बैंक ऑफ इंग्लैंड में दिखाया जाता है। और इस क्लासिक मूवी का पहला पार्ट यही खत्म हो जाता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, लेकिन अगले पार्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दोस्तों 2021 में रिलीज हुई इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 है, जिसका बजट $5 लाख है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई मूवी के एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।